जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान नाम उसी प्रकार सच्चिदानंद घनीभूत विग्रह है जिस प्रकार भगवान का अवतार काल में सगुण साकार स्वरूप है। जो भी भगवान के सगुण साकार विग्रह में शक्तियाँ निहित हैं, वे सभी शक्तियाँ भगवान के नाम में भी पूर्णतया निहित हैं। भगवान के नाम में उनका मुखारविंद, चरण, पेट, उनका आकार, उनके गुण और उनका धाम पूर्ण रूप से समाहित है। भगवान का नाम संपूर्ण भगवान है। मैं भरोसे अपने राम के और नहीं कछु काम के, दो अक्षर सब कुल तारे वारी जाऊं उस नाम के। तुलसीदास प्रभु राम कृपाधन और देव सब दाम के। मनुष्य को भगवान के भजन को प्रमुख कर्तव्य समझना चाहिए। ऐसे भजनानंदी के परिवार की एवं उसकी सभी प्रकार की परिस्थितियों की चिंता सदा भगवान को बनी रहती है। वे सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सब मंगल ही मंगल करते हैं। ऐसे भगवान का आश्रय जब है तब किसी प्रकार की चिंता मूर्खता है, घोर कलंक है। मेरा तो इतना ही कहना है कि हम कैसे ही करें, भजन को पकड़े रहें, मन न लगे कोई बात नहीं, स्थूल जिह्वा से राम नाम लेने से विरत न हों। मात्र हमारी एक इंद्रिय जीभ के भगवान के नाम में लगने से पूर्ण स्वतंत्र प्रभु पास आ जाएंगे। मात्र आएंगे ही नहीं, वे नाम के बल पर भजन करने से हमारे अधीन हो जाएंगे कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। भगवान के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं, किसी साधन विशेष से ये नहीं होते। जो लोग दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और फिर जिनका एक एक पल युग के समान बीतता है, उन प्रेमी भक्तों को ही होते हैं। उसमें भी पहले उनको होते हैं जो दर्शन की परवाह नहीं करते, केवल अहेतुक प्रेम से निरंतर भगवान का अनन्य भाव से भजन करते रहते हैं। महासिद्ध संतों के कुछ लक्षण हैं। पहला, अनुकूलता का भान न हो। दूसरा, प्रतिकूलता का भान न हो। तीसरा, भय न हो। चौथा, क्रोध न हो। पांचवा, लोभ न हो। छठा, मोह न हो। भगवान के नाम का भी वही प्रभाव, वही महिमा, वही फल है, वही तत्व, वही रहस्य है जो साक्षात भगवान के दर्शन का है। श्री राम का प्रायः राम नाम स्वयं राम है। फिर जिह्वा से नाम लेने पर प्रभु राम क्यों नहीं प्रकट होते? इसका कारण हमारी अश्रद्धा है। पर नाम जब से अश्रद्धा की परतें क्रमशः क्षीण होती जाएंगी और जीवन में एक दिन अवश्य आएगा जब नाम स्वतः पूर्ण विश्वास प्रकट कर देगा। विश्वास के प्रकट होते ही नाम स्वयं ही भगवान के रूप में अपने को प्रत्यक्ष कर देगा। अविश्वास का आवरण हटा नहीं कि नाम प्रभाव व्यक्त हुआ नहीं। प्रभु पर अखंड विश्वास रहे कि वे ही मेरे सब लोक परलोक का समुचित निर्वाह करेंगे और जीभ के द्वारा भगवान का नाम निरंतर लिया जाता रहे। हम अंतर मन से अपने दोषों को दूर करना नहीं चाहते। हम शास्त्रों और सत्संग के प्रकाश में उन्हें दोष मानते हैं, परंतु इन दोषों से सर्वथा मुक्त होने की तीव्रतम उत्कंठा सर्वथा नहीं है। यदि तीव्रतम उत्कंठा होती तो भगवान जिनके संकल्प से विश्व का सब प्रपंच सृजित है, वे इतने दरिद्र नहीं हैं कि हमारे दोष दूर ना कर दें। मन से अपना सब कुछ भगवान को समर्पण करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। भगवान से निवेदन करें कि हे प्रियतम प्रभु, इस लोक परलोक में मुझसे संबद्ध सभी वस्तुएं आपकी, मात्र आपकी हैं। मैं आपकी संपत्ति हूँ। मेरा घर परिवार धन खेत सब कुछ आपका है।
प्रभु का दासत्व स्वीकार होते ही निश्चिंतता आ जाती है। निरंतर हरि शरणम मंत्र जपते रहिए, आशा राम जी की ही लगाए रखिए, कभी तो गरीब नवाज की कृपा होगी। धनी के द्वारे पड़े रहो, धनी की ठोकर खाए, कबहुक धनी निवाजी हैं द्वार छोड़ नहीं जाए। आज से ही मन की अनुकूल प्रतिकूल सब परिस्थितियों के रूप में, जड़ चेतन सब पदार्थों के रूप में, और अपने पराए उत्तम अधम सब व्यक्तियों के रूप में मात्र भगवान को देखना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, आप भगवान की लीला देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।